नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीराइट के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कॉपीराइट में मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, टाइप्स ऑफ वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, यानी कि वो कौन कौन से वर्क है जिन्हें कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉपीराइट एक्सेप्शंस, यानी कि वो वर्क जिनको कॉपीराइट प्रोटेक्ट नहीं करता। फिर हम बात करेंगे कॉपीराइट एंड द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट में कॉपीराइट का रोल। उसके बाद में हम बात करेंगे कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए कॉपीराइट का प्रोटेक्शन कितना है और क्या रोल है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। दोस्तों, आप लोगों में कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनको गाना गाने का बहुत शौक होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने अपने गाने गाकर रिकॉर्ड भी करे हों, और कुछ लोगों ने किसी बिल्डिंग के नक्शे बनाकर उनको भी रखा हो। पर आप लोगों को पता लगे कि आपने जो गाना गाया है वो किसी और इंसान ने चोरी कर लिया है, जो आपने बिल्डिंग का नक्शा बनाया है वो किसी और इंसान ने चोरी कर लिया, बहुत बुरा लगेगा शायद। दोस्तों, इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी चीज़ को बचाने के लिए कॉपीराइट लॉ आया, जो प्रोटेक्ट करता है ऐसी सिचुएशन में लोगों की ऑथरशिप्स को। यानी कि ऐसे थॉट्स जो किसी इंसान के दिमाग में आए, या ऐसी कोई थिंकिंग या वर्क जो किसी इंसान के दिमाग में आया और उसने उस वर्क को करा, वो उसके ऑनरशिप है, ऑथरशिप है। और ऐसा वर्क किसी ने कॉपी कर लिया तो उस चोरी को बचाने के लिए कॉपीराइट को लाया गया, या कॉपीराइट एक्ट को लाया गया। तो एक बार इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं हम। ए कॉपीराइट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट दैट गिव्स द ओनर एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ विद सम लिमिटेड एक्सेप्शंस ओरिजिनल एक्सप्रेसिव वर्क। यानी कि कॉपीराइट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांटेड किया गया है। और किसको दिया गया है या किस काम के लिए गया है, कि ऑनर का जो एक्सक्लूसिव राइट है उसको यूज़ कर सके और अपने प्रोडक्ट को या जो उसका बनाया हुआ वर्क है उसको प्रोटेक्ट कर सके। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से वर्क हैं जिनको कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है। तो कॉपीराइट जो है ऑथरशिप वर्क को प्रोटेक्ट करता है, और ऑथरशिप वर्क में कौन कौन से वर्क शामिल हैं वो इस तरह से हैं। अगर हम बात करें लिटरेरी वर्क की, तो उसमें नॉवल, नॉन फिक्शन प्रोज, पोएट्री, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन एट्सेट्रा लिटरेरी वर्क में आते हैं, जिनको प्रोटेक्शन मिलता है कॉपीराइट में। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिकल वर्क की, तो सॉन्ग्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड एडवर्टाइजिंग जिंगल्स आते हैं म्यूजिकल वर्क में, जो कॉपीराइट के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं। बात करते हैं ड्रामेटिक वर्क में, तो प्लेज एंड ओपेराज, इनको भी कॉपीराइट ने प्रोटेक्ट किया है। बात करते हैं पिक्चोरियल वर्क में, तो फोटोग्राफ्स, मैप्स, पेंटिंग, ड्राइंग, ग्राफिक्स आर्ट्स, स्टैचू एट्सेट्रा। अब बात करते हैं ऑडियो विजुअल वर्क्स, यानी कि मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, ट्रेवलॉग्स एंड टेलीविजन शोज एट्सेट्रा इस लिस्ट में आते हैं। इसी के बाद बात आती है साउंड रिकॉर्डिंग्स की, यानी कि रिकॉर्डिंग्स ऑफ म्यूजिक, साउंड्स एट्सेट्रा, उनको भी कॉपीराइट ने प्रोटेक्ट किया है। दोस्तों, अभी तो हमने समझा कि वो कौन कौन से वर्क हैं जिनको कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से वर्क हैं जिनको कॉपीराइट प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो एक नज़र हम उन पर भी डाल लेते हैं। नॉट एवरी एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया मे बी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, कॉपीराइट डज नॉट प्रोटेक्ट। तो कॉपीराइट कहता है कि सारे ही आइडियाज़ और एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, और इस लिस्ट में वो वर्क शामिल है जिनको कॉपीराइट प्रोटेक्ट नहीं करता है, यानी कि किसी प्रोडक्ट का नाम। दोस्तों, किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे कोका कोला हुआ, थम्स अप हुआ, लिम्का हुई, या कोई भी ब्रांड हुआ, उसके प्रोडक्ट के नाम को कॉपीराइट प्रोटेक्ट नहीं करता है। उसके बाद बात आती है टाइटल ऑफ वर्क, यानी कि किसी बुक के टाइटल को, किसी नॉवल को प्रोटेक्ट कर सकता है, किसी बुक को प्रोटेक्ट कर सकता है, बुक के टाइटल को प्रोटेक्ट नहीं करता कॉपीराइट में। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीज़ें कॉपीराइट में प्रोटेक्ट क्यों नहीं की जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्लोगन्स एंड शॉर्ट एडवर्टाइजिंग फ्रेजेज। दोस्तों, ये कुछ नाम हैं जिनको कॉपीराइट प्रोटेक्ट नहीं करता है, और नीचे एक नोट भी रखा है कि सच प्रोडक्ट नेम मे बी अफोर्डेड प्रोटेक्शन अंडर ट्रेडमार्क लॉ, यानी कि इन नामों को ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है, ना कि के कॉपीराइट। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि कोई चीज़ अगर प्रोटेक्ट करवाई जाती है, कॉपीराइट करवाई जाती है, जैसे मेरे पास मेरा एक सॉन्ग है, मैंने उसे कॉपीराइट करवाया, तो उसका पीरियड या उसका ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए होगा, या वो कॉपीराइट कब तक एग्जिस्ट करेगा, कब तक उसका टाइम पीरियड रहेगा। तो कॉपीराइट का जो ड्यूरेशन है वो उसके ऑथर के ज़िंदगी तक, मतलब जब तक उसका ऑथर जिंदा रहेगा तब तक, और उसके मरने के 70 साल बाद तक, 70 ईयर्स बाद तक वो कॉपीराइट उस वर्क को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, ये तो रही बात सिंगल वर्क की, पर अगर कोई वर्क जॉइंट वर्क है और उसमें जॉइंट कॉपीराइट अगर किसी ने करवा रखा है, तो वो जॉइंट वर्क या जॉइंट कॉपीराइट उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो जितने भी उसके मेंबर्स होंगे या जितने भी उसके ऑथर होंगे, उनकी ज़िंदगी तक
वो कॉपीराइट वर्क करेगा, और जब तक लास्ट ऑथर उसका मर नहीं जाता उसकी मौत से या उनकी डेथ से 70 साल बाद तक वो वर्क प्रोटेक्ट किया जाएगा कॉपीराइट के थ्रू। अब हम बात करते हैं कॉपीराइट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कॉपीराइट इन आईटी सेक्टर। तो शुरू करते हैं कॉपीराइट एंड द इंटरनेट से। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में इंटरनेट ने हर जगह अपने पैर पसार लिए हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, चाहे वो इंटरनेट पर हमें ईमेल बनाना हो, चाहे नेट बैंकिंग करना हो, चाहे कोई बुकिंग करनी हो या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी हो, हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। उसी के साथ साथ किसी पार्ट को यानी कि इंटरनेट के किसी पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। और कॉपीराइट प्रोटेक्शन की नीड हमें इतनी है क्योंकि आज के टाइम में जैसे हम जानते हैं कि हर एक चीज़ डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन की नीड भी या कॉपीराइट की नीड भी उसी के हिसाब से बढ़ती हुई जा रही है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पर क्योंकि कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है वो इंटरनेट के लिए स्पेशली डिज़ाइन नहीं किया गया था, इसलिए इसमें कई तरह की खामियां हैं और कई जगह पर बिल्कुल शांत हो जाता है इंटरनेट को प्रोटेक्ट करने के मामले में। अब बात करते हैं कि इंडिया ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं इंटरनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए या इंटरनेट प्रोटेक्शन इन इंडिया। द इंटरनेट सिस्टम इज स्प्रेडिंग फास्ट इन इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में इंटरनेट सिस्टम जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पर आज के समय में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे वर्क जो हमारे माइंड से किए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इंटरनेट की वजह से ज़्यादातर चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं और हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला हो चुका है। तो कॉपीराइट का काम है उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। इसी के लिए और इन्हीं चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 लाया गया, और इसी के सेक्शन 13 और 63 के मुताबिक ये प्रोटेक्ट करता है लिटरेरी वर्क को, पिक्चर्स को, साउंड रिकॉर्डिंग्स को और अदर क्रिएटिव वर्क्स को, और ये प्रोटेक्ट करते हैं इन वर्क को कॉपी किए जाने से विदाउट द परमिशन ऑफ कॉपीराइट होल्डर। अब बात करते हैं कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट का कितना प्रोटेक्शन है और कितना रोल है उसके बारे में। कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज आर एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेसिंग एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सेलरेटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड बूस्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी। यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है आज के टाइम पर एसेंशियल बन चुका है किसी भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए या किसी भी टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए। और चूंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए वजह से इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मास मार्केट जो है वो बढ़ती जा रही है और इनको कॉपी करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है, तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कॉपीराइट एक्ट को लाया गया। वहीं अगर बात करें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में क्या कदम उठाया गया या कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इंडिया, तो इन इंडिया द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कवर्ड अंडर दी कॉपीराइट लॉ। यानी कि इंडिया में जो हमने ऊपर पढ़ा इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं इसके अंडर कवर होते हैं, और इसमें बताया गया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हैं उनको भी इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर ही प्रोटेक्ट किया गया। और इस एक्ट में यानी कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 में सबसे बड़ा चेंज आया 1994 में, क्योंकि इस साल इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी ऐड किया गया जो कि 1995 से फोर्स में आया। और जो चेंजेस थे या जो अमेंडमेंट किए गए थे इंडियन कॉपीराइट एक्ट में वो उस टाइम के वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट चेंजेस थे, क्योंकि उसमें जो कॉपीराइट होल्डर था उसके राइट्स के बारे में भी बताया गया और जो कॉपी करने वाला था उसकी ड्यूटीज़ के बारे में भी बात की गई थी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे पेटेंट के बारे में और ट्रेडमार्क के बारे में। अपनी इस वीडियो के नोट्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि कि आपको पढ़ने में और आसानी रहे। तब तक हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।